आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि पेरेंट्स टेबल में से जब हम रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो वो चाइल्ड टेबल में से भी अपना आप हो जाता है। देखिए कैसे करेंगे। हमने पहले एक पेरेंट्स टेबल बनाई है imp5 के नाम से, और उसका सारा डाटा हमने दिया है। और मैं एक बार आपको शो करके दिखाता हूँ। तो ये हमारी टेबल है, ठीक है, जिसमें रानी, सुमित, सोनम, प्रीति, कुणाल, ठीक है। और इसका चाइल्ड टेबल हमने बनाया है dep5 के नाम से, और इसके अंदर हमारा जो डाटा है वो हमने इंसर्ट करा है ये। और इसको मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। देखिए ये रहा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए ये, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले हमने क्या करा था कि पहले हमें चाइल्ड में से डाटा डिलीट करना पड़ता था, तब जाके हम पेरेंट्स का करते थे। लेकिन इस बार हमने क्या किया है, जो हमारी चाइल्ड टेबल है उसमें हमने ऑन डिमांड ऑन डिलीट कैस्केड का यूज किया है। ऑन डिलीट कैस्केड की वजह से अगर हम एम्प्लॉय टेबल में से, यानी कि पेरेंट्स टेबल में से कोई डाटा डिलीट करते हैं तो वो डिपार्टमेंट टेबल में से भी अपना आप हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी क्वारी लिख लेते हैं। डिलीट फ्रॉम इम्प5 वेयर ईआईडी, इसकी आईडी देख लेते हैं एक बार, क्या ली है हमने, ईआईडी ली है, ठीक है। और ईआईडी हम कितनी देते हैं, 1 देते हैं दोस्तों। और चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। देख लीजिए क्वारी, नीचे देख लेते हैं, ग्रीन टिक है, चला है। अब हम इसको एक बार शो करके देखते हैं कि क्या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम m5। अब देखते हैं इसमें 1 नंबर की जो रो है वो डिलीट हुई नहीं, होनी चाहिए थी, देखिए हो गई है, ठीक है। और अब देखते हैं क्या ये ही डिपार्टमेंट में भी डिलीट हुई है, तो मेरे ख्याल से तो वो भी डिलीट हो गई होगी। चलिए देख लेते हैं, तो देख लीजिए डिपार्टमेंट से भी वो डिलीट हो गया है। देखा 3 4 5 6 7 से आ रहा है, 1 2 हमारा डिलीट हो चुका है। अब देख लीजिए यहाँ, यही फायदा होता है दोस्तों कैस्केड, जब हम ऑन डिलीट कैस्केड का यूज करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए थैंक यू।